लेकिन ये पहला विकेट गिरा है, इसी से आपके बहुत सारे और विकेट गिरने वाले हैं। और आपसे सवाल है कि आपने इतना देर क्यों किया उनका इस्तीफा देने में? जिस दिन ये बातें आई थी आपकी वो हिम्मत कहाँ चली गई? क्योंकि जिनके साथ आप खड़े हैं यहाँ पर तो बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खम्भे अपराध भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। नीतीश जी, आपका एक ही विकेट अभी गिरा है, और भी विकेट गिरना बाकी है। वहीं अपराध से संलिप्त जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके मंत्री हैं, और बिहार सरकार में आपने मंत्री बनाया है। आप सही सुन रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कार्तिकेय सिंह के जमानत याचिका खारिज होने पर बातें कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मंत्री जब बनना था तो तमाम तथ्यों को छुपा कर कार्तिक सिंह मंत्री बन गए, और एडिशनल जो जज हैं दानापुर के उनसे जाकर उन्होंने जमानत लेना था वो जाकर ले लिया था, और कहीं ना कहीं मंत्री बनने के बाद तमाम बातें सामने निकल के आई, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा लेना पड़ा। रविशंकर प्रसाद ने यह साफ कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना लेट क्यों कर दिए, आप पहले क्यों नहीं इस्तीफा आप लिए? क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी कोटे से रविशंकर प्रसाद, वो सुने आप लोग। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने बिहार के पूर्व कानून मंत्री आरजेडी के नेता कार्तिक कुमार जी की बेल को रिजेक्ट कर दिया है। ज्ञात होगा कि तथ्यों को छुपाकर 1 सितंबर के लिए अंतरिम बेल लिया गया था एक अपहरण के मामले में, जिसमें वो आरोपित थे। 5 साल पहले फरवरी 2017 में हाईकोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया था, उनको सरेंडर करने को कहा था, और जब मंत्री बनना हुआ तो वो सब चीज़ों को छुपाकर वो दानापुर के एडिशनल डिसीजन से एक आदेश ले आए। हम लोगों ने पार्टी की ओर से बहुत गंभीरता से कहा था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज क्या हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर दोबारा एंटिसिपेटरी बेल, अंतरिम बेल दे सकता है? आज मुझे संतोष है कि जब सुनवाई हुई तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट दानापुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, और मुझे इस बात का स्पष्ट संभावना लगती है कि हाईकोर्ट के 5 साल पहले रिजेक्शन के आदेश को छुपाकर यह आदेश दानापुर के एडिशनल डिसीजन से लिया गया था। अब वो सरेंडर करें, उनको जेल जाना चाहिए, न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ हुआ है। लेकिन ये पहला विकेट गिरा है। नीतीश जी, आपके बहुत सारे और विकेट गिरने वाले हैं, और आपसे सवाल है कि आपने इतना देर क्यों किया उनका इस्तीफा देने में? जिस दिन ये बातें आई थी आपकी वो हिम्मत कहाँ चली गई? क्योंकि जिनके साथ आप खड़े हैं वहाँ पर तो बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके खम्भे अपराध भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और इसी के बिना पर आप सुशासन देने वाले हैं? बिहार की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, और इस अवसरवादी स्वार्थी गठबंधन को जरूर परास्त करेंगे।